स्वागत है आपका डेली बाइट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में। जैसे कि अब तक आप जान चुके हैं, इस सीरीज में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही आंसर के पीछे के रीजंस को भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर 12th बायोलॉजी चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में है। और जितने चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 12th बायोलॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर क्वेश्चन वाइज एंड चैप्टर वाइज एनालिसिस ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। चलिए जी फिर आगे बढ़ते हैं और सवाल की तरफ चलते हैं। हेल्थ को हम बहुत सारे तरीके से परिभाषित करते हैं, तो जब भी हम परिभाषा देते हैं उसमें सबसे एक्यूरेट डेफिनेशन, सबसे सही परिभाषा क्या हो सकती है, तो उस परिभाषा को हम देखें तो पहला ऑप्शन हमें दे रखा है स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड इन अ बैलेंस्ड कंडीशन। बॉडी और माइंड को तो इन्होंने इंक्लूड कर लिया, लेकिन सोशल लाइफ उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है, स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हेल्थ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ स्माइलिंग फेस। हाउ कैन वी से दैट कि जो स्माइलिंग फेस है उसको मेंटली कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन दे रखा है कि हेल्थ इज अ सिंबल ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं बट स्टिल दे आर टेकिंग हाई डोजेज ऑफ मेडिकेशंस, तो यहाँ पे आकर के ये भी गलत हो गया। नाउ ऑप्शन सी हमें दे रखा है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकल भी है, मेंटल भी है एंड सोशल वेलबींग भी है, सो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, कि हमें दे रखा है कि डिजीज कॉज करने में प्लांट और एनिमल में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। तो पहले तो बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं जो डिजीज कॉज करते हैं प्लांट में और एनिमल्स में, तो उनको हम क्या बोलते हैं। तो पहला हमें दे रखा है, नीचे से पढ़ना शुरू करें तो वॉर्म्स दे रखा है। वॉर्म्स यानी क्रीमी, सिर्फ क्रीमियों से तो नहीं होता, और भी बहुत सारे हैं जिसकी वजह से होता है। सूक्ष्मदर्शी भी हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से होता है, तो यहाँ पे हम वॉर्म्स को बिल्कुल सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। देन इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स की वजह से भी होता है, लेकिन सिर्फ इंसेक्ट्स एक जरिया नहीं है। देन एक दे रखा है वेक्टर, तो देखो जी यहाँ पे अच्छे से समझ लो, वेक्टर जो है वो होते हैं कैरियर्स। ठीक है, ये है कैरियर, किसी भी डिजीज को कैरी करते हैं, उसके ऑर्गेनिज्म को, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को ये कैरी करने वाले होते हैं, इसीलिए इनको हम वेक्टर बोलते हैं। तो हर डिजीज कैरियर के थ्रू तो होती नहीं है। ठीक है, और सबसे पहला ऑप्शन हमें दे रखा है पैथोजेंस। तो जब भी बात होगी कि डिजीज प्लांट और एनिमल में कॉज हो रहा है और ऑर्गेनिज्म क्या है, तब आंसर होगा पैथोजेन। क्योंकि पैथोजेन जब ये टर्म हम बोलते हैं तो दैट सिंपली मीन्स कि कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी प्रोटोजोआ, कोई भी फंजाई, कोई भी वर्म, ठीक है, कोई भी एनी टाइप ऑफ कॉजिटिव एजेंट विच इज क्रिएटिंग हार्म टू द प्लांट एंड ह्यूमन और एनिमल। ठीक है, इन सबको हार्म करने वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। डायग्नोज कैसे करते हैं टाइफाइड को। सो टाइफाइड इज डायग्नोज बाई विडाल टेस्ट। ठीक है, ये तो बिल्कुल एकदम क्लियर है कि ये विडाल टेस्ट द्वारा ही किया जाता है। ये देखो यहाँ पे एक एलिसा टेस्ट लिखा हुआ है, एंजाइम लिंक्ड सॉर्बेंट ए से। ये टेस्ट हमें एड्स को डिसाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमें कि डिजीज इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। इन्फेक्शियस यानी कि बहुत ज्यादा फैलने वाले, ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस जो कि फैलने वाले नहीं है, जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उसमें वो नहीं फैल रहे हैं। लाइक कैंसर, नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं फैल रहा होता वो, कि बगल में आपके कोई कैंसरस पेशेंट बैठा हुआ है तो उसकी वजह से आपको हो जाएगा, लेकिन बगल में अगर कोई सर्दी का पेशेंट बैठा हुआ है तो उसकी वजह से आपको सर्दी जरूर हो जाएगी। यू सी द डिफरेंस कि किस तरीके से फैलता है कोई भी डिजीज, जस्ट बाय सिटिंग इवन और जस्ट बाय नॉट सिटिंग इवन, कि साथ में बैठ करके खाना भी खा रहे हैं तब भी कोई डिजीज नहीं फैल रही है, लेकिन कुछ ऐसी डिजीज है कि दूर से अगर सिर्फ हाथ भी मिला लिया तब भी वो डिजीज हो जा रही है, लाइक कोरोना वायरस। वी हैव बीन टोल्ड कॉन्स्टेंटली कि जब भी आप अपने नाक के पास या मुंह के पास हाथ लेके जाते हो या छींकते हो
तो आप अपने हैंड्स को सैनिटाइज करो, या किसी भी सरफेस को आप टच कर रहे हो तो हैंड्स को सैनिटाइज करो. दिस इज बिकॉज ऑफ दिस इशू ओनली कि वो हाईली इन्फेक्शियस है. ठीक, तो यहाँ पे हमें इन्फेक्शियस डिजीज की एक लिस्ट दे रखी है, उसमें से हमें बताना है डिजीज की लिस्ट दे रखी है जिसमें से हमें इन्फेक्शियस डिजीज बताना है. तो पहला तो कैंसर, पहले ही बता दिया मैंने कि वो नॉन इन्फेक्शियस है. देन नेक्स्ट दे रखा है एलर्जी. अब किसी को पॉलन ग्रेन से एलर्जी है तो बगल में बैठे हुए शख्स को भी पॉलन ग्रेन से एलर्जी तो होनी चाहिए, या फिर डस्ट से एलर्जी है, स्मोक से एलर्जी है तो उसको बगल में जो बैठा हुआ इंसान है उसको भी एलर्जी नहीं हो जाएगी. इसी तरीके से पास तो ये करता नहीं है. तो ये दोनों नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं. ठीक, देन इन्फ्लुएंजा, सर्दी की जो बात करिए, एंड स्मॉल पॉक्स. ये सबको बहुत अच्छे से पता है कि पॉक्स की कंडीशन कभी भी होती है तो उस पर्सन को जिसको पॉक्स हुआ है उसको हम आइसोलेट कर देते हैं कंप्लीटली. उसको एक रूम दे देते हैं, बेड दे देते हैं, बर्तन सब कुछ आइसोलेशन में उसको डाल देते हैं. एंड देन उस इंसान के पास वही पर्सन जाता है जिसको कि पहले से पॉक्स हो रखा है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके पास एक इम्यूनिटी बूस्टर रहता है. वरना ये भी पॉक्सेस भी बहुत ज्यादा कॉन्टेजियस होते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पोरोजॉइट इन्फेक्शन कॉज करता है जब फीमेल मॉस्किटो काटती है किसी भी पर्सन को. तो ये स्पोरोजॉइट बनता कहाँ है, तो जब भी हम पूरा एक साइकिल देखें तो ये देखो, ये पूरा साइकिल अगर देख रहे हैं तो वो स्पोरोजॉइट यहाँ पे दिख रहा है हमें, और ये कहाँ है, मॉस्किटो होस्ट में. ठीक है, तो मॉस्किटो होस्ट क्या कर रही है, पहले गैमेटोसाइट को ले रही है. ठीक, गैमेटोसाइट का फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है, दैट इज इन गट, मॉस्किटो के गट में हो रहा है. और यहाँ पे देखो ये लिख रखा है कि मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज, यानी कि स्पोरोजॉइट स्केप फ्रॉम गट, गट से वो भागते हैं और माइग्रेट कर जाते हैं सेलेवरी ग्लैंड को, जाकर के वहां लार ग्रंथि में स्टोर हो जाते हैं. पर फॉर्म कहाँ हुए थे, ये फॉर्म हुए थे गट में. सो वी गेट टू नो द करेक्ट आंसर, दैट इज गट ऑफ द मॉस्किटो. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिजीज है चिकनगुनिया. तो चिकनगुनिया किसके काटने की वजह से होता है, तो ये होता है एडीज मॉस्किटो के काटने की वजह से. दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हमें सवाल दे रखा है कि बहुत सारे डिजीजेस को हम डायग्नोज कर सकते हैं सिम्टम्स के आधार पे. ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से कौन सा ऐसा सिम्टम है जो निमोनिया को इंडिकेट करता है. ठीक, अब ये देखो बी और डी में कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, ये सारी चीजें दे रखी हैं हमें. ठीक है, क्रैम्प्स, ब्लड लॉस, ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट मतलब कि खून के थक्के जमना. ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख मर जाना, ये सारी चीजें दे रखी हैं. ठीक है जी, तो ये तो बिल्कुल नहीं होता, इसके क्राइटेरिया तो ये है ही नहीं, ये सिम्टम्स उसके बिल्कुल भी नहीं है, तो ये गलत हो गया. देन ए और सी की बात होती है, तो ए और सी में देखो सारी चीजें सेम है, पर सी में कॉन्स्टिपेशन एक अलग से ऐड कर दे. कॉन्स्टिपेशन निमोनिया से नहीं होता है. देखो कॉन्स्टिपेशन निमोनिया से कैसे होगा, ये स्टमक और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका इफेक्ट, उसका मतलब डिजीज है, एक डिसऑर्डर है, डिजीज नहीं डिसऑर्डर है. एंड देन यहाँ पे निमोनिया है, निमोनिया ये प्योरली रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, रिस्पिरेशन को ये अफेक्ट करता है. वहां पे होने वाली प्रॉब्लम्स जब भी होती है उनमें से कुछ सिम्टम्स जो होते हैं वो निमोनिया के होते हैं. ठीक है, वहां का ये डिजीज है. तो ये देखो ये ऑप्शन नंबर ए में जितना भी चीज है वो सब रिलेटेड है निमोनिया से. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कैंसर कॉजिंग जीन्स, कैंसर जो कॉज करते हैं उन जीन्स को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑन्कोजीन्स. उनको हम ऑन्कोजीन्स कहते हैं. और ये देखो ये नॉर्मली एक बताया हुआ है कैंसरस सेल है, और उसका जो ये ऑन्कोजीन है ये बीच का पार्ट, ये पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन देखो और ये वाला और ये वाला देखो, डिफरेंट है ना, ये कलरफुल्स हैं, ये सॉरी ये कलरफुल है, और ये वाला देखो बिल्कुल ब्लैक सा अजीब सा दिख रहा है. ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, इस चीज को समझना, ये रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे ऐसा ही होता है ये जरूरी नहीं है, बस ये तरीका है दर्शाने का ताकि जो देखे उसको समझ आ जाए. ठीक है जी, चलो फिर आगे बढ़ते हैं. मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात हो रही है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर है, सेल्स प्लोरिफेरेट कर रहे हैं, तेजी से ग्रो कर रहा है, और साथ ही इस बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में मूव कर रहा है. इस स्टेज के डिजीज को हम क्या कहते हैं, तो सबसे पहले हम ट्यूमर्स को देख लेते हैं. ट्यूमर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक बिनाइन ग्रोथ वाले ट्यूमर होते हैं, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं.
ठीक है, अब ये जो बिनाइन वाले होते हैं ये किसी एक बॉडी पार्ट में स्टैटिक रहते हैं, लाइक ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ एक बॉडी पार्ट में वो एक जगह पे रुका हुआ है, ठीक है जी। एंड देन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ये वो ट्यूमर होते हैं जो मूव करते रहते हैं, इस बॉडी पोर्शन में गड़बड़ी कर दी, फिर दूसरे वाले में कर दी, फिर तीसरे वाले में कर दी, और ये मूव करते रहते हैं ब्लड फ्लो के साथ, ये मूव करते हुए रहते हैं, ठीक है। तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। व्हेन एन अपेरेंटली हेल्दी पर्सन इज डायग्नोस्ड एज अनहेल्दी बाय अ साइकाइट्रिस्ट, अब देखो ये वर्ड ही यहाँ पे ये शब्द ही पूरा आंसर बता देगा हमें। साइकाइट्रिस्ट, साइकाइट्रिस्ट उनको कहते हैं जो हमारे साइकी को ठीक करते हैं। तो साइकी में क्या आता है, हमारा बिहेवियर, हमारा मेंटेलिटी, हमारा एडजस्टमेंट, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो दिमाग से रिलेटेड चीजें हैं, साइकी से रिलेटेड, हमारा मन जो सोच रहा है, मन के प्रति जितना भी बीमार हो जाना, शरीर सही है लेकिन दिमागी रूप से बीमार हो जाना, वहां पे जाकर के डिप्रेशंस हैं, ओवर थिंकिंग है, ये सारी चीजें अनहेल्दी साइकाइट्रिस्ट ने बताया है। तो सोशल बिहेवियर और सोशल माल एडजस्टमेंट हो रहा होगा, कुछ ऐसा कुछ उन्होंने उस पेशेंट ने शो किया होगा, तभी तो वो साइकाइट्रिस्ट के पास गया और साइकाइट्रिस्ट ने उसे अनहेल्दी बोला है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में दे रखा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं हम कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है, ये अर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। कभी भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का एग्जाम्पल आएगा अगर उसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो सबसे सही आंसर यही होगा, ठीक। देखो अब इसमें क्या होता है कि जो बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम है, ये फॉरेन पैथोजेंस, फॉरेन मॉलिक्यूल और बॉडी के सेल्फ सेल में जो डिफरेंशिएशन है उसकी कैपेसिटी लूज कर देता है। अब वो लूज कर दिया तो उसको ये पता ही नहीं चल रहा कि वो जो पीछे से आरबीसी आ रही है वो आरबीसी बॉडी की है और वो फ्रूटफुल है, वो जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, उसको भी वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो इससे क्या होगा, जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा, ठीक है, और डिफरेंशिएशन की कैपेसिटी भी चली गई, दूसरे और डिजीजेस के लिए बहुत ज्यादा प्रोन हो जाएगा पर्सन, जिसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा, ठीक। तो अब देखते हैं इनमें करेक्ट ऑप्शन क्या क्या है। पहला हमें दे रखा है कि डिफरेंशिएशन की एबिलिटी बढ़ जाती है, तो ऐसे ही गलत हो गया, बढ़ती नहीं घटती है, तभी तो हम ऑटो इम्यून कह रहे हैं। और इसी का अपोजिट 4 नंबर दे रखा है कि ये सेल्फ सेल्स को पहचानने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही है, ये सही बात है। फिर मोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन बॉडी, एंटीबॉडीज कैसे प्रोड्यूस होगी, वो तो मारने में लगा हुआ है कि सारी चीजें मारो खत्म करो, ठीक है। एंड देन बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स, ये भी सही है, तभी तो ऑटो इम्यून वर्ड से ही क्लैरिफाई हो रहा है। चलो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स है एचआईवी से होता है, तो इनमें से कौन सा मोड है जो ट्रांसमिशन का मोड नहीं है, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन पढ़ना है तो जो नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं ना उस पर बड़ा ही गौर फरमाना होता है। देखो पहला दे रखा है ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड, ब्लड की अगर चेकिंग नहीं की गई है तो वहां पे कॉन्टामिनेशन है, गंदगी फैली हुई है ब्लड में, पैथोजेंस है, तो वो दूसरे पेशेंट में जाएगा तो उसको भी वो उतना ही हार्म करेगा, ठीक है। और एड्स सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट की वजह से नहीं होता है, दैट इज प्योरली अकर बाई एनी मीडियम जहां पे भी बॉडी फ्लूइड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, बी इट सलाइवा, बी इट ब्लड, बी इट प्लाज्मा, बी इट सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, सीमेन, एनीथिंग लाइक दैट, और इंट्रावेनस नीडल्स, कुछ भी हो जहाँ पे कि बॉडी का एक बॉडी का फ्लूड दूसरे बॉडी के कॉन्टैक्ट में जा रहा है। इनफैक्ट वो रेजर्स, जिन रेजर से किसी ने यूज करा है और कट लग गया और वो अच्छे से धुला नहीं है, स्टरलाइज नहीं हुआ है, ठीक है, उससे भी बहुत ज्यादा खतरा रहता है। तो इसीलिए बार्बर शॉप में जाना चाहिए कभी भी, वेन एवर यू गो देयर मेक श्योर कि वट एवर द इक्विपमेंट इज बींग यूज और अप्लाइड ऑन यू दैट इज प्रॉपरली स्टरलाइज, बिकॉज यू डोंट नो the person who has on whom that particular thing is being used was contaminated or not, तो ये तो होगा ही, ठीक है। फिर sharing of infected needles, बिल्कुल, जो intravenous drugs लेते हैं, ये word ही use किया हुआ है NCERT में, intravenous drugs, drug abuse जो करते हैं उनका इसी तरीके से वो बहुत ही ज्यादा prone हो जाते हैं, एकदम open हो जाते हैं
एचआईवी एड्स के लिए। अब देखो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उड़ता पंजाब मूवी में, आप देख सकते हो कि वहां पे जो बच्चे रहते हैं वो तक एडिक्ट होते हैं। तो वो एडिक्ट होते हैं तो वो देखना डायरेक्टली वेन्स में लेते हैं ड्रग्स, ठीक है, इफ आई एम रिमेम्बरिंग इट क्लियरली। तो फिर पेड़ के पास बैठ करके वो लोग ड्रग अब्यूज कर रहे होते हैं, एंड देन एक निडल सारे 5 से 6 बच्चे ले रहे होते हैं उसे ड्रग्स। तो देखो एक बच्चा भी अगर उसमें से एड्स से पीड़ित है तो वो 6 जो उसके साथ और 5 बैठे हुए सारे के सारे पीड़ित हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्फेक्टेड नीडल्स की वजह से भी होता है। इसी वजह से बाद में गवर्नमेंट ने इस चीज को रियलाइज किया और एक मुहिम चली जहां पे ये था कि हम एक बार में एक बार सिंगल यूज किया हुआ निडल उसको डिस्पोज किया जाएगा, दैट विल नॉट बी यूज ट्वाइस और थ्राइस और मेनी टाइम्स। पहले कभी कभी यूज भी कर लेते थे और प्रोबेबली पहले के टाइम पे, मीन्स लेट इट बी 20 ईयर्स अगो, ये बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट था कि एक निडल से 3-4 लोगों को सुइयां लग रही हैं, तो ये गलत होता है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट दे रखा है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, ये तो होता ही है, ये बिल्कुल सही है। एंड लास्ट एक सी ऑप्शन में है शेकिंग हैंड्स, हाथ मिलाना। हाथ मिलाने में देखो कहीं पे भी बॉडी फ्लूड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये एक ऐसा मोड होगा जिसमें ट्रांसमिशन एचआईवी का नहीं होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मैक के बारे में दे रखा है कि स्मैक एक ड्रग है जो कि मिलता है किससे, ठीक है। तो अब देखो ये है स्मैक का पौधा और ये देखो इसका फ्लावर कितना खूबसूरत सुर्ख लाल रंग का है, और ये इसका वो फ्रूट है, मतलब ये ओवरी है, ठीक है, फ्रूट कहना गलत है, ये ओवरी है। अगर ढंग से याद हो तो हमने चैप्टर 2 में किया था फ्लावरिंग प्लांट्स वाले, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनमें एक सवाल दिया हुआ था, दो दो दिए हुए थे ओवरी और हमें बताना था कि इनमें से ओवरी एक किस टाइप का ओवरी है, तो उसमें ये स्ट्रक्चर दे रखा था, एंड दिस स्ट्रक्चर वाज ओवरी सिन कार्पस ओवरी। देखो ये फ्यूज किया हुआ है तभी तो ये इस तरीके का बना हुआ है, फ्यूज किया हुआ ओवरी है, एक साथ फ्यूज कर गया है, और ये था पेपेवर का। तो समझ में आया, वहां से भी हमें आंसर मिल जाएगा। अगर ये नहीं भी याद है फिर भी अगर सिर्फ ये याद है, इमेज के बदौलत भी हम ध्यान में रख सकते हैं कि ये किसका था, पेपेवर सोमनी फेरम, तो इसके लेटेक्स से बनता है ये, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं इंटरफेरॉन्स के, चलो जी फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें दे रखा है कि वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी जो है एक सर्टन टाइप ऑफ सेल प्रोड्यूस करता है, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, तो उन सेल्स को हम कहते हैं इंटरफेरॉन्स। यहाँ देखो इंटरफेरॉन्स, जैसे ही वायरस आया इंटरफेरॉन रिलीज हो गया, ये इंटरफेरॉन था ये रिलीज हो गया, तो ये देखो इसके ऊपर जाकर के ये चिपक गया है, इसके ऊपर जाकर के ये चिपक गया है, तो इनका जो इम्यून सिस्टम है सेल का वो एक्टिवेट हो गया है, जिसकी वजह से ये बाद में जाकर के इससे मिल नहीं सकते। अब ये देखो इस पे चिपक गया है तो इसमें जो वायरस है सो है ही, लेकिन अब ये फर्दर इसमें वायरस नहीं आ सकता है, ठीक है, क्लियर हुआ कैसे काम कर रही है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है कि टिश्यू या ऑर्गन का सर्टेन पेशेंट में हम करते हैं, ठीक है, लेकिन हर लगभग टाइम ऐसा होता है कि रिजेक्ट कर देता है पेशेंट का बॉडी जो टिश्यू या ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। ये एक तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स है, ये जो रिजेक्शन हो रहा है ये इम्यून रिस्पॉन्स है, उस इम्यून रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, दैट इम्यून रिस्पॉन्स इज सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडी जो कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होता है उसको हम, वो कौन से टाइप का एंटीबॉडी है। तो यहाँ देखो बहुत सारे टाइप का एंटीबॉडी है जो प्रेजेंट होता है, सोर्स है जो मैटरनल सोर्स है, ये देखो सबसे ज्यादा कोई है तो वो है IgG इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ये 70%, और ये देखो ये पूरे भ्रूण को इसने कवर कर रखा है, और बाकी अब जो बच गया वो है IgA IgM IgD और IgE। IgE के बारे में ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये एलर्जिक रिएक्शन में आता है, ए फॉर एलर्जी, ठीक है, लेकिन ए IgA यहाँ यूज नहीं होता, यहाँ यूज होता है ई, ठीक है। ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि इओसिनोफिल्स जो होते हैं वो तब होते हैं, तब एक्टिवेटेड होते हैं उस मोड में, एकदम आक्रामक मोड में रहते हैं बॉडी में, जब एलर्जी बढ़ जाती है, ठीक है।
तो वहां से हम इसको याद रख सकते हैं कि इओसिनोफिल्स IgE, और इओसिनोफिल क्या करते हैं, एलर्जी करता है। बस कनेक्ट करना है, कैसे भी याद करना है, जैसे आप कनेक्ट कर लो वैसे आप याद कर लोगे। ठीक है, चलो अब ये देखो IgA ऑरेंज कलर का है, और ऑरेंज कलर का देखो यहाँ पे ये चीज बना हुआ है, ब्रेस्ट पोर्शन में दिया हुआ है, तो दैट मीन्स कि मिल्क से प्रोड्यूस हो रहा है, IgA पास किया जा रहा है, तो दैट इज अ टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल दैट इज बीइंग पास्ड फ्रॉम मदर टू द बेबी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टोबैको कंजम्पशन स्टिमुलेट करता है एड्रीनलिन को और नॉर एड्रीनलिन को। ठीक है, तो इस कॉम्पोनेंट को, उसमें कौन सा कॉम्पोनेंट होता है, तो दैट कॉम्पोनेंट इज निकोटीन। ये देखो ये है निकोटीन का स्ट्रक्चर, एंड दिस इज द फॉर्मूला C10H14N2, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी वेनम की बात हो रही है कि एंटी वेनम दिया जा रहा है स्नेक पॉइजन के अगेंस्ट, तो उसमें क्या होता है, दैट कंटेन्स एंटीबॉडीज। और एक चीज और ध्यान में रखने की जरूरत है, ये जो एंटी वेनम है ना, दिस इज अ टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो टाइप की हो रही है, एक है एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, और दूसरी है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में बॉडी को कोई काम करने की जरूरत नहीं होती है, एंड एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी को काम करना पड़ता है। एट्यूनेटेड बींग्स जो होते हैं वो बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, और बॉडी का जो सिस्टम है, जो लिम्फोइड सिस्टम है, वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज खुद से प्रोड्यूस करता है। तो दैट इज एक्टिव, और पैसिव वाले में हम डायरेक्टली एंटीबॉडीज ही इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सवाल और हो सकता है कि हम स्नेक पॉइजन, स्नेक बाइट के केस में हम एक्टिव इम्यूनिटी क्यों नहीं डाल रहे हैं, तो जब तक वो रिएक्शन होगा तब तक तो इंसान मर जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि हम एक्टिव नहीं डाल सकते हैं, डालेंगे तो पैसिव ही। मरे हुए इंसान में हम कहाँ से एक्टिव पैसिव करेंगे, है ना। ठीक है, इसके लिए हम एंटीबॉडीज डालते हैं उनमें। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्फोइड टिश्यू के बारे में बात हो रही है कि इनमें से कौन सा लिम्फोइड टिश्यू नहीं है। पूरा लिम्फोइड सिस्टम देखें, ये देखो ये पूरा लिम्फोइड सिस्टम है, और ये जो ये बुंदु बुंदु दिख रहा है ना, थोड़ा बड़ा बड़ा सा, ये दिस पोर्शन, दिस ऑल थिंग्स दे आर कॉल्ड एज लिम्फ नोड्स, इनको हम लिम्फ नोड कहते हैं। ठीक है, देखो ऑर्गन्स में देखो थाइमस है, स्प्लीन है, और एक और दे रखा है हमें टॉन्सिल, यहाँ पे टॉन्सिल होता है। ठीक, खांसी होने वाली, सर्दी होने वाला रहता है, तो दिस टॉन्सिल स्टार्ट, वो स्वेल हो जाता है, पेन होने लगता है, उसमें खराश होने लगती है गले में, तो आपके बॉडी, आपका बॉडी आपको ये सिग्नल दे रहा होता है कि देखिए ऐसा है कि आपका बॉडी सर्टेन पैथोजेन के अगेंस्ट लड़ने में कामयाब नहीं रहा है, बी अवेयर, यू हैव टू टेक मेडिसिन एंड रेस्ट। ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ बॉडी इज वार्निंग टू अस। तो ये कहाँ से हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ टॉन्सिल। तो टॉन्सिल भी हमारे पास है, वो भी एक तरीके का लिम्फोइड टिश्यू है। एंड देन पैनक्रियाज एक देख रखा है, तो पैनक्रिया इज द हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ये ग्लैंड है, लिम्फोइड टिश्यू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दे रखा है कि वो कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो कि बर्थ के टाइम पे बड़ा रहता है और धीरे धीरे एजिंग के साथ छोटा होते जाता है, दैट ग्लैंड इज थाइमस ग्लैंड। ये हमारा थाइमस ग्लैंड, ये बर्थ के साथ बड़ा रहता है एंड देन ये छोटा होते चला जाता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, हीमोजोइन के बारे में दे रखा है कि हीमोजोइन क्या है। तो हीमोजोइन ये देखो आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, अब हीमोग्लोबिन ब्रेक कर गया और हीमोजोइन नाम का टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज कर दिया इसने, जो क्या कर रहा है, जो कि मलेरिया का फीवर और ठंडी करके बुखार लाना और जितने भी सिम्टम्स होते हैं उसको ये अफेक्ट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, तो दैट इज रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल्स। ठीक है जी, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर रिंगवॉर्म। तो रिंगवॉर्म के तीन जो कॉजिटिव एजेंट हैं वो बिलोंग करते हैं डर्मोफाइटोसिस क्लास से। इसमें देखो ये है ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटन। देखो डर्मा, ये वर्ड यहाँ पे यूज किया ही हुआ है, तो डर्मा मीन्स स्किन होता ही है, तो रिंगवर्म स्किन पे ही होता है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया है किसी पर्सन को तो इनमें से वो क्या होगा, दैट पर्सन विल बी लेस प्रोन टू मलेरिया। क्योंकि मलेरिया के लिए अभी हमने देखा ना कि आरबीसी का टूटना और हीमोजोइन का आरबीसी का रप्चर होना, हीमोजोइन का रिलीज होना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है।
राइट, वहीं पे जाके गैमेटोसाइट्स बनते हैं। अभी उसमें भी हमने देखा है, पूरे साइकिल में भी देखा है, गैमेटोसाइट नहीं बनेगा तो सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट को तो मलेरिया होगा ही नहीं। ठीक है, चलो जी। नाउ मूविंग टू द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हमें पहला सवाल दे रखा है कि कुछ पैथोजेंस टिश्यू या ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं, इसे स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है सूटेबल एग्जाम्पल लेके। बिल्कुल सही बात है, हर पैथोजन हर ऑर्गन को या हर टिश्यू को इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, जो जो पैथोजन टिश्यू को इफेक्ट करता है दे आर टिश्यू स्पेसिफिक, जो पैथोजन ऑर्गन को इफेक्ट करता है दे आर ऑर्गन स्पेसिफिक। अब देखो इसका एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा है जॉन्डिस का, ऑर्गन स्पेसिफिक का। ऑर्गन स्पेसिफिक में एक लिवर है ऑर्गन जो जॉन्डिस की वजह से इफेक्टेड होता है। ठीक, और टिश्यू का देखो कि कुछ पैथोजेंस ऐसे हैं जिनको पता होता है कि वो जहाँ पे भी जा रहे हैं, जिधर भी जा रहे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट उनको रेजिस्टेंस मैकेनिज्म पहले से पता है, उस हिसाब से उन्होंने अडेप्ट कर लिया है। ठीक, वो मैकेनिज्म सारा उनको आता है। ठीक है जी, अब क्या होगा इससे कि जब वो किसी भी टिश्यू को इफेक्ट कर रहे होंगे तो वो बहुत ही स्ट्रांगली इफेक्ट कर सकते हैं। राइट, अब इसका टिश्यू स्पेसिफिक का एग्जाम्पल हम वो भी ले सकते हैं, दैट इज एड्स। एचआईवी वायरस कहाँ पे इफेक्ट करता है, दे इफेक्ट ऑन मैक्रोफेजेस, टी लिम्फोसाइट्स, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। राइट, वो सारे जो सेल्स और टिश्यूज हैं उन सबको वो इफेक्ट करता है। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन का आंसर को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एंजाइम सिस्टम जो किसी भी पर्सन का है वो सप्रेस है, और एलिसा टेस्ट उसको उसका किया गया है और पता चला है कि एलिसा टेस्ट उसका पॉजिटिव है। ठीक, तो वो पर्सन जो है वो उस कौन सा डिजीज है उसको, उसका ऑर्गेनिज्म पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, और उसकी बॉडी की कौन से सेल्स इफेक्ट हुए उस पैथोजन के कारण। तो दैट डिजीज इज एड्स, और कौन सा वायरस है, यस वेरी गुड, दैट इज एचआईवी वायरस। एंड कौन सा इफेक्ट हो रहा है टिश्यू, दैट इज मैक्रोफेजेस एंड हेल्पर टी सेल्स, ये दोनों इफेक्ट होते हैं। ठीक, एंड मैक्रोफेजेस आर द पूल, उस एचआईवी का वो पूल होता है, वहीं पे वो लाई करता है, दे आर द होम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दे रखा है कि वेयर बी एंड टी सेल्स आर फॉर्म्ड, दे आर बोथ आर द टाइप ऑफ लिम्फोसाइट एंड दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। ठीक है, लेकिन उन दोनों में डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है, तो दैट इज कि बी लिम्फोसाइट जो होता है बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होता है, बोन मैरो में ही मैच्योर होता है, और टी लिम्फोसाइट बोन मैरो में होता प्रोड्यूस जरूर है, ओरिजिनेशन साइट उसका वही है, उद्गम स्थल बोन मैरो ही है, लेकिन मैच्योर होता है वो थाइमस में। ठीक है, टी लिम्फोसाइट टी फॉर थाइमस, मतलब यहां से भी हम याद रख सकते हैं, और बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में जाके वो मैच्योर हुआ है। फिर बी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएट, दे डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स, एंड टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू साइटोटिक टी सेल्स, या फिर मेमोरी सेल्स उनको हम बोलते हैं। नेक्स्ट फिर है कि बी लिम्फोसाइट जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी देते हैं, यानी ब्लड रिलेटेड इम्यूनिटी आता है, और टी लिम्फोसाइट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं। जैसे कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का एक एग्जाम्पल वो भी हमने पीछे देखा था कि जो रिजेक्ट हो रहा है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे, दैट इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। नेक्स्ट कि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पे टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो हेल्प करते हैं बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में। इससे ज्यादा अगर आपको वो जानने की इच्छा है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उनके डिफरेंस के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस दूसरे इमेज को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेटिव एजेंट्स दे रखे हैं, इनमें से हमें जो मैच पेयर नहीं है उसको निकालना है। तो देखो पहला दे रखा है वायरस और उसका है कॉमन कोल्ड, सही बात है, वायरस की वजह से होता है कॉमन कोल्ड। देन सेल्मोनेला, सेल्मोनेला टाइफी कॉजेस टाइफॉइड, माइक्रोस्पोरम कॉजेस फलेरियासिस, एंड देन प्लाज्मोडियम कॉजेस मलेरिया। प्लाज्मोडियम के तो चार वेराइटी है जो चार टाइप के मलेरिया कॉज करते हैं। ठीक है, जिसमें से फैल्सीपुरम सबसे ज्यादा नोटोरियस है और वो मलेरिया ज्यादा भयंकर वाला कॉज करता है, एंड समटाइम्स पीपल डाई आल्सो। ठीक है, लेकिन सी ऑप्शन देखो, उसमें माइक्रोस्पोरम दे रखा है और फिलेरियासिस दे रखा है, तो माइक्रोस्पोरम क्या कॉज करता था, माइक्रोस्पोरम कॉज करता था जो स्किन डिजीज है रिंगवॉर्म वो सब, लेकिन फिलेरियासिस, फिलेरियासिस इज कॉज्ड बाय वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया मेलाई, इन दोनों की वजह से फिलेरिया होता है, फिलेरियल वॉर्म है, और ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन करते हैं ऑर्गन्स में, लिम्फेटिक वेसल्स में और लोअर लिम्स में ये ज्यादा इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो हाथी पाव हम कहते हैं
वही होता है एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस। ठीक है जी, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ इम्यून सिस्टम, इफ थाइमस ग्लैंड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ पर्सन। थाइमस ग्लैंड को हटा दिया, कुछ नहीं, उसका इम्यून सिस्टम कंप्लीटली वीक हो जाएगा, और क्या। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि माइक्रोबियल पैथोजन है जो कि इंटर कर रहा है गट के थ्रू अलोंग विथ फूड, तो जो प्रिमिटिव बैरियर होंगे जो बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे वो कौन से होंगे, एंड व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी डू यू ऑब्जर्व इन दिस केस, कौन से टाइप का इम्यूनिटी ऑब्जर्व होगा। तो देखो, सबसे पहले तो म्यूकस जो कोटिंग है एपिथेलियम की गट में, वहां पे माइक्रोब्स ट्रैप होंगे। देन सलाइवा ऑफ माउथ, वो भी HCl जो गैस्ट्रिक जूस में रहता है, वो उसका काम यही होता है कि जो फूड के साथ पैथोजेंस इंटर कर गए हैं इवन आफ्टर म्यूकस एंड सलाइवा, उन सबको वो खत्म कर दे। एंड देन दिस इज अ टाइप ऑफ इनएट इम्यूनिटी, ये बाय बर्थ प्रेजेंट होता है बिल्कुल शुरुआत से ही, और ये पूरे टाइम लाइफ टाइम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, दिस इज अ इनएट इम्यूनिटी, ध्यान में रखना है ये इनएट इम्यूनिटी है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मदर्स मिल्क इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फूड फॉर इन्फेंट, बिल्कुल अभी हमने देखा क्यों, क्योंकि कोलोस्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क है उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है जो डेवलपिंग जो बॉडी को, जो बेबी का बॉडी है उसको डेवलप कर देता है, वेरियस रेजिस्टेंट रेजिस्टेंट बना देता है बहुत सारे डिजीजेस के थ्रू, डिजीजेस के लिए सॉरी। ठीक है जी, और कौन सी एंटीबॉडी होती है, दैट इज IgA। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट आर इंटरफेरॉन्स, हाउ डू इंटरफेरॉन्स चेक इन्फेक्शन ऑफ न्यू सेल्स। तो इंटरफेरॉन्स रिस्पॉन्स में, वायरल इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस किए जाते हैं, एंड दे आर अ ग्लाइको प्रोटीन्स, ये ग्लाइको प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और ये एक साइटोकाइन बैरियर है, और इंटरफेरॉन इफेक्ट करता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है ऑन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। उस इमेज में भी देखा था ना कि एक जो सेल्स को नहीं हुआ है उस पे जा करके वो चिपका है इंटरफेरॉन, तो उनमें वायरस इंटर नहीं कर पाया है, लेकिन जिसमें वायरस इंटर कर चुका है उस पे भी अगर वो चिपका है तो बाकी दूसरे वायरसेस उसमें इंटर नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक सवाल दिया हुआ था जिसमें हमें बताना था कि ये मॉलिक्यूल के जो भी डिफरेंट पार्ट्स हैं उसका नाम लिखें। इसमें कुछ भी ऐसा छोड़ा हुआ ही नहीं था, फिल इन द ब्लैंक्स ही नहीं था जहाँ पे ए बी सी हो जिसको फिल किया जाए। हाँ, एक चीज यहाँ पे समझने वाली है कि ये एक हमारे पास डाइसल्फाइड ब्रिज है, बस उसके अलावा सब कुछ दे रखा है हमें। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग और एल्कोहल इज नॉट प्रोवाइडेड टू एन एडिक्टेड पर्सन, कुछ ही शोज सम विड्रॉल सिम्टम्स, अगर उनको ड्रग और एल्कोहल जो एडिक्टेड है उनको नहीं दिया जा रहा है तो उनके पास विड्रॉल सिम्टम होते हैं कुछ जो वो शो करते हैं, वो कोई भी चार में बताना है। तो दैट इज एंजाइटी, शेकीनेस, नोजिया, स्वेटिंग एंड हेलुसिनेशन समटाइम, इरिटेशन, एंगर, लॉट्स ऑफ एंगर, इस तरीके के विड्रॉल सिम्टम्स उनके होते हैं। ठीक है, हार्ट बीट बढ़ जाना, बीपी शूट कर जाना, ये सारी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट दैट ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर वन इज एडवाइज टू अवॉइड क्लोज्ड क्राउडेड इन एयर कंडीशन प्लेसेस लाइक सिनेमा हॉल्स एक्सेट्रा, क्यों करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे चेंजिंग सीजन में जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो बहुत ही ज्यादा सक्रिय रहते हैं, और ये बहुत ही उनके लिए, उन इफेक्ट करने के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है जहाँ पे बहुत ही तेजी से ग्रो करते हैं, और लोग क्योंकि उनका बॉडी इस चीज में जो चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट उसमें, इन्वायरमेंटल कंडीशन में अडेप्ट करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है, तो ये पैथोजेंस के प्रति वो वल्नरेबल हो जाता है, तो उस टाइम पे पैथोजेंस बहुत आसानी से अटैक कर सकते हैं। दिस इज वाई इट इज एडवाइज्ड कि जब भी मौसम बदल रहा है तब आप क्राउडेड या क्लोज्ड एयर कंडीशन प्लेसेस में जाना अवॉइड करें। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मफुल एलील ऑफ, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मफुल एलील ऑफ सिकल सेल एनीमिया हैज नॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम ह्यूमन पॉपुलेशन, एलिमिनेट नहीं हुआ है तो इसका मतलब कि कुछ बेनिफिट भी हो रहा है, पीपल आर डिराइविंग सम अदर बेनिफिट ऑल्सो, डिस्कस करना है इसको हमें। तो ये म्यूटेंट जो है उसका फ्रिक्वेंसी थोड़ा हाई है,
कि इस जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो पास करे ट्रॉपिकल अफ्रीका में। और जो हेट्रोजाइगोट्स होते हैं यानी कि जो कैरी कर रहे हैं, जो कैरियर्स हैं, जो हेट्रोजाइगोट्स हैं जिनमें शो नहीं हो रहा है पर वो कैरियर हैं, उनके पास दोनों टाइप का हीमोग्लोबिन है, ठीक है, एक नॉर्मल वाला है, एक इन्फेक्शन वाला है, दोनों है, ठीक। साथ ही में वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम के अगेंस्ट में एक प्रोटेक्शन का काम करते हैं क्योंकि मलेरिया इन्फेक्शन उनको नहीं होता है, ठीक। और जो होमोजाइगस है नॉर्मल कंडीशन में, उनकी मोर्टैलिटी रेट बहुत ही ज्यादा है, इनफैक्ट समटाइम्स वो अर्ली चाइल्डहुड में ही मर भी जाते हैं वैसे पर्सन, ठीक है। लेकिन जो हेट्रोजाइगस हैं वो जिंदा रहते हैं, वो कैरियर होते हैं, वो आगे पास ऑन कर देते हैं बस। इसीलिए आज तक जो मेंटेन्ड है सिकल सेल एनीमिया ह्यूमन पॉपुलेशन में, क्योंकि जो हेट्रोजाइगोट्स हैं, जो हेट्रोजाइगस हैं, जाइगोट्स हैं सिकल सेल एनीमिया के लिए, उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही ज्यादा है और वो ज्यादा दिन तक जिंदा भी रहते हैं। होमोजाइगस वाले तो मर जाते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लिम्फ नोड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ लिम्फ नोड इन आर रिस्पॉन्स, सॉरी इम्यून रिस्पॉन्स में, उनका लिम्फ नोड का क्या फंक्शन है। तो लिम्फ नोड एक सॉलिड स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के डिफरेंट पॉइंट्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। लास्ट आप जाओगे जो कुछ क्वेश्चंस पहले हमने जो पूरा एक लिम्फेटिक सिस्टम बॉडी स्ट्रक्चर में देख रखा है, वहां पे कुछ नोड्स होंगे, कुछ मोटी मोटे सॉलिड स्ट्रक्चर छोटे छोटे बने हुए होंगे, उनको हम कहते हैं लिम्फ नोड। और ये क्या काम करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर एंटीजेंस को ट्रैप करते हैं और दैट इंटर्स द लिम्फ, जो लिम्फ में या टिश्यू फ्लूइड में इंटर कर जाते हैं उनको ट्रैप करते हैं और साथ ही उनके ऊपर काम करके उनको मार देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है जी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो आईजी होते हैं उनको हम H2L2 क्यों कहते हैं, वो उसको हम H2L2 इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास हैवी चेन दो होता है और लाइट चेन दो होता है, इसीलिए उसको हम H2 और L2 कहते हैं, बस इसमें कोई लॉजिक नहीं। और चलो फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज टर्म मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम मीन। अब देखो ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि मेमोरी से क्या मतलब है। तो जब भी हम मेमोरी की बात कर रहे हैं तो पहली बार कोई भी डिसऑर्डर या डिजीज हो गया है, बॉडी को नहीं पता था, नहीं रिकॉग्नाइज था इम्यून सिस्टम को, वो फाइट नहीं कर पाया उसके अगेंस्ट, ठीक है, डिजीज हो गया तुम्हें। डिजीज जब ठीक हो गया पर बॉडी के इम्यून सिस्टम में जो मेमोरी है उसने ध्यान कर लिया कि ये इस टाइप का सेल है, इस टाइप के फंक्शंस करता है, इस टाइप के बॉडी को प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके मेमोरी में ये चीज आ गई कि ये एक टाइप का रिस्पॉन्स जनरेट करता है बॉडी में, ठीक है। और ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है और हाईली इंटेंसिफाइड होता है, बहुत ज्यादा इंटेंस होता है, बॉडी इस कदर याद कर लेता है चीजों को, ठीक। तो नेक्स्ट टाइम जब वो पैथोजन वापस से इंटर करने की कोशिश करेगा तो वो सारी चीजें जो इम्यून सिस्टम है उसको रिकॉल होंगी और वो उसके अगेंस्ट तुरंत से बी सेल, टी सेल्स और लिम्फोसाइट जो है वो रेडी करके विगरसली अटैक करना शुरू कर देगा। जैसे कि अभी कोविड के टाइम पे बार बार कहा जा रहा था कि प्लाज्मा डोनेट करो, प्लाज्मा डोनेट करो, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस इशू ओनली कि जिनको एक बार हो चुका है उनके बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट में इम्यून सिस्टम ने उस चीज को, उस ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करके उसके खिलाफ बॉडी में इम्यूनाइजेशन शुरू कर दी है, बॉडी को इम्यून कर दिया है उसके प्रति। तो कुछ मेमोरी होगी बॉडी के इम्यून सिस्टम में, तो उस मेमोरी को अगर हम निकाल लें और दूसरे व्यक्ति में डाल दें तो शायद उसकी भी मेमोरी बन जाए और उसका भी इम्यून सिस्टम ठीक हो सके। दिस इज वाई दिस होल प्लाज्मा थिंग वॉज रिवॉल्विंग इन मार्केट लाइक दैट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। पेशेंट है जिसको कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बताई गई है, कि एडवाइस किया गया है कि आप ये काम कराओ, ये कौन सा इन्फेक्शन है जिससे वो इन्फेक्टेड है और साथ ही उसका ऑर्गेनिज्म क्या है। तो दे आर इन्फेक्टेड बाय, दैट पेशेंट इज इन्फेक्टेड बाय एड्स, पॉजिटिव एजेंट है एचआईवी वायरस और ये एचआईवी वायरस रेट्रो वायरसेस का एक मेंबर है, ठीक है जी। चलो सो दिस वॉज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाए वहां जुड़े और नए वीडियोज के अपडेट को प्राप्त करें। Until then, stay tuned, stay connected to Delhi Bytes. God bless you all.